वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में पोको का फ़ोन। इसमें अगर जो है आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे बताया था। अभी मैं टच चलाऊंगा तो ये देखें, टच बिल्कुल वर्क नहीं कर रही, सिर्फ ये बॉक्स बनकर आ रहा है, ठीक है, और कुछ भी इसमें वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ ये बॉक्स हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये कहीं से भी हम कुछ भी कर लें तो ये वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ ये ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है और कुछ इसमें हम सेटअप नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपको टू फिंगर का यूज़ करना है। जब आप टू फिंगर का यूज़ करेंगे आपकी टच वर्क करने लगेगी। ये देखें, सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको उस पर डबल प्रेस करना है, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। अब हम नीचे जाएंगे डाउन साइड पर, तो सिंगल फिंगर वर्क नहीं कर रहा, आपको टू फिंगर ही यूज़ करना है। यहाँ पे आपको जाना है, एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर डबल प्रेस कर देंगे। यहाँ नीचे आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद डबल प्रेस कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जर्नल, विजन, हियरिंग और फिजिकल। तो आपको जो है विजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये सेकंड वाला ऑप्शन, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पर डबल प्रेस करना है तो ये ओपन हो जाएगा। ऊपर फर्स्ट पे ही आपको शो होगा टॉल बैक, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल प्रेस कर दें, फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से डबल प्रेस, फिर स्टॉप का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट करके डबल प्रेस, और ये देखें, ये हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। अब सिंगल फिंगर पे हमारी टच वर्क कर रही है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग।